एक मुर्गी को देखिए आप, मुर्गी बिल्ली को देखती है फौरन भागती है, लेकिन वही मुर्गी जब अंडों पर बैठती है और अंडों से चूजे निकलते हैं, और मुर्गी जहां सड़क पर दाना चुगती है अपने बच्चे उसके पीछे पीछे आते हैं, अचानक बिल्ली को देखती है मुर्गी तो भागती नहीं है। अब आप देखिए वो मुर्गी अब भाग नहीं रही है, क्योंकि जानती है अगर मैं भागूंगी तो मेरे बच्चे मारे जाएंगे। वो मुर्गी अपने परों से खोलकर अपने बच्चों को समेटती है और बिल्ली के सामने सीना तान के खड़ी हो जाती है। इस मुर्गी के अंदर अपने बच्चों की मोहब्बत और अपने बच्चों की उल्फत के लिए परों का खोल देना और अपने बच्चों का समेट लेना, ये उसी एक दर्जे मोहब्बत का हाल है, ये उसी एक दर्जे मोहब्बत का हाल है। 99 दर्जे नहीं। एक कुतिया जब उसके बच्चे पैदा करने का वक्त आता है तो आप देखिए कुतिया भी ऐसी जगह तलाश करती है कि हम अपने पेट से अपने बच्चों को जन्म दे सके, जहां दूसरे कुत्ते ना पहुंच पाए और खतरनाक जानवर वहां पहुंचकर हमारे बच्चों को मार ना डाले। आपने देखा कभी वो कुतिया भी ऐसी जगह तलाश करती है जहां उसके बच्चे महफूज रह सकें। ये मोहब्बत उस कुतिया के अंदर किसने डाली? एक बकरी को देखिए, एक गाय को देखिए, एक भैंस को देखिए, जब वो बच्चा जन्मती है तो कितनी गलाजत और गंदगी उस बकरी के बच्चे के अंदर होती है। वो बकरी, वो भैंस, वो गाय जब बच्चा पैदा करती है तो अपनी जबान खोल देती है और अपने बच्चे के जिस्म पर लगी हुई गंदगी को अपनी जबान से चाटती है और अपने बच्चे को खड़ा करने की कोशिश करती है और फिर उस बच्चे में रूह ठोक देती है। और फिर आप देखिए जब भैंस या गाय का मालिक उस गाय के दूध को दोहता है तो गाय और भैंस अपने बच्चे को पिलाने के लिए थोड़ा सा दूध ऊपर चढ़ा लेती है। तसव्वुर करो, और जब उसके बच्चे को छोड़ा जाता है तो फौरन वो गाय और भैंस दूध को नीचे उतार के अपने बच्चों को पिलाती है। ये मोहब्बत, ये उल्फत उस गाय के अंदर, उस भैंस के अंदर, उस बकरी के अंदर किसने रखी है? ये उसी मोहब्बत, उसी रहमत के एक दर्जे का हाल है, उसी रहमत के एक दर्जे का हाल है। और सुनिए, जिसने 99 दर्जे अपने पास रखे हो वो कितना मेहरबान होगा। एक बकरी जब अपने बच्चे पर इतना मेहरबान है, एक कुतिया अपने बच्चे पर इतना मेहरबान है, एक मुर्गी अपने बच्चों के लिए इतना मेहरबान है, तो सोचिए ये अभी एक दर्जा है, अभी हम इंसानों पर नहीं आए, अभी हम इंसानों पर नहीं आए। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं एक जंग के अंदर कुछ कैदी गिरफ्तार किए गए और गिरफ्तार करके उनको जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने लाया गया। एक जंग के अंदर कुछ कैदियों को गिरफ्तार किया गया और उन कैदियों को मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने पेश किया गया। उन कैदियों में एक औरत भी थी। जो कैदी कैद करके लाए गए, जो मुजरिम कैद करके लाए गए, उन मुजरिमीन की लिस्ट में, उन कैदियों की लिस्ट में एक औरत भी थी। उसका बच्चा कहीं, शीरख्वार बच्चा, दूध पीता बच्चा कहीं गुम हो गया था, कहीं खो गया था, दूध पीता बच्चा। ये औरत जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश की गई और जो कैदी नबी के सामने पेश किए गए, इस औरत को होश नहीं है कि हमको नबी के सामने पेश किया गया है, क्या सजा मिलेगी। उसका दिमाग अपने बच्चे की तरफ लगा हुआ है, वो अपने बच्चे के बारे में सोचती है कि मेरा दूध पीता बच्चा कहाँ होगा। यहां तक कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक कैदियों को एक मैदान में जमा कर दिया गया। उस मैदान में उस औरत को भी लाया गया। वो औरत जिस भी छोटे बच्चे को देखती, जिस छोटे बच्चे को देखती, जिस दूध पीते बच्चे को देखती, उससे छीन लेती और अपने मां,
अपने पिस्तान से उस बच्चे को लगा कर दूध पिलाने लग दी। अल्लाह के नबी ने पूछा, ऐसा ये औरत क्यों कर रही है? जिस औरत के बच्चे को देखती ये पकड़ लेती और अपने पिस्तान का दूध पिलाने लगती, ऐसा क्यों है? जवाब पिलाए अल्लाह के नबी, इस औरत का बच्चा कहीं गुम हो गया है, इसलिए ये हर बच्चे को अपना बच्चा समझ रही है। अल्लाह के नबी ने उस औरत की उस मोहब्बत को देखा, उस औरत की उस रहमत को देखा जो दूसरों के बच्चे को अपना बच्चा समझ रही है। अल्लाह के नबी सहाबा से सवाल करते हैं, आए मेरे साथियों, अगर इसको इसका बच्चा मिल जाए और फिर इस औरत से कहा जाए कि अपने बच्चे को आग में फेंक दो, तो तुम क्या उम्मीद रखते हो, क्या ये औरत अपने बच्चे को आग में डाल देगी? तसव्वुर करो नबी का सवाल। जो औरत दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा समझ रही है, अगर इसको इसका बच्चा मिल जाए फिर इस औरत से कहो कि अपने बच्चे को आग में डाल दे, जलती हुई आग में डाल दे, तो क्या वो डाल देगी? सहाबा ने कहा नहीं, हरगिज नहीं, उसकी मोहब्बत ये कभी गवारा नहीं करेगी कि वो अपने बच्चे को आग में डाल दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरे साथियों, रब की रहमत के 100 दर्जों में से एक दर्जा रहमत का ये हाल है कि वो अपने बच्चे को आग के हवाले नहीं कर सकती है। जिसके पास 99 दर्जे रहमत हो, वो कयामत के दिन अपने बंदे को जहन्नम की आग में कैसे डालेगा? उसकी रहमत ये कैसे गवारा करेगी कि अपने बंदे को जहन्नम में डाल दे? लेकिन बंदे गुनाह कर करके, शिर्क कर करके, बिदअतें कर करके, शराब नोशी कर करके, हराम खा खा कर, हराम की कारोबार कर करके अपने आप को खुद जहन्नम में ले जाते हैं, तो उसमें अल्लाह की रहमत फिर गजब में बदल जाती है। वरना रब की रहमत ये गवारा नहीं करेगी। जिसके पास 100 दर्जे रहमत हो, वो कैसे गवारा करेगा कि मेरा बंदा जहन्नम में जाए? आप एक मिसाल को समझने की कोशिश करें। आपकी बेटी है, शादी हुई, आपने बहुत से बर्तन उसको जहेज में दिए, कांच के 2 बर्तन, कांच के 2 गिलास, शीशे के 2 गिलास आपने उसको दिए, बहुत से बर्तन दिए, लेकिन 2 गिलास रखे हुए थे अलमारी में और कांच के दोनों गिलास जिसको आपकी बेटी ससुराल में जाने के बाद रोजाना साफ कर करके रखती थी, अचानक दोनों गिलास गिरते हैं नीचे, एक गिलास तो टूट कर टुकड़े टुकड़े हो जाता है और दूसरा गिलास बच जाता है। इत्तेफाक है, दूसरा गिलास बच जाता है। अब आपसे मैं पूछता हूं, आपकी बेटी किस गिलास की हिफाजत करेगी, जो बच गया उसकी या जो टूट गया उसकी? कोई भी अक्लमंद इंसान होगा, उसको अगर खड़ा करके पूछा जाए तो वो यही कहेगा, अरे जो टूट गया उसकी क्या हिफाजत करेगी, वो तो चकनाचूर हो गया है, उसकी हिफाजत करेगी जो बच गया है। तो जो गिलास बच गया उसको उठाएगी, उसको पोछेगी और फिर रख देगी, और जो टूट गया, चकनाचूर हो गया, वो जानती है कि ये जुड़ नहीं सकता, अब उसको घर में भी रखना गवारा नहीं करेगी, झाड़ू से इधर उधर कांच तो नहीं बिखर गई, किसी के पैर में ना चुभ जाए, इसलिए उस जगह को साफ करके उस टूटे हुए कांच के गिलास को साफ करेगी और एक बर्तन में लेकर डस्टबिन में डाल देगी या बाहर कूड़े में जाकर फेंक देगी। उस टूटे हुए गिलास को कभी वो अपने पास नहीं रखेगी। क्यों? हर चीज का एक क्वेश्चन होता है, क्यों? यह भी एक क्वेश्चन है। वो सही सलामत गिलास की हिफाजत कर रही है, लेकिन टूटे हुए गिलास को घर से बाहर क्यों फेंक रही है?
इस क्यों का जवाब है, सही सलामत गिलास की हिफाजत इसलिए कर रही है क्योंकि वो काम की चीज है, वो पीने के काम आएगा, मेहमानों को पानी पिलाने के काम या चाय पिलाने के काम या दूध पिलाने के काम आएगा, लेकिन टूटा हुआ बर्तन किसी काम का नहीं, इसलिए उसको बाहर फेंक रही है। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूं कि एक मां के दो बेटे हैं, दोनों बेटे जवान हैं, एक पढ़ लिख कर बहुत काबिल हो गया है, उसकी सरकारी सर्विस लग गई है, उसको 1,00,000 रुपया महीना मिल रहा है, मां बूढ़ी हो चुकी है, बाप का इंतकाल हो चुका है, वो बेटा 1,00,000 रुपया महीना कमाता है, 50,000 रुपये महीना कमाता है और उसी पर वो अपना पेट भी पालता है, अपने बीवी बच्चों का पेट भी पालता है और अपनी बूढ़ी मां का भी ख्याल रखता है। लेकिन उसी मां का एक दूसरा बेटा है, वो भी जवान है, लेकिन उसके दोनों पैरों में पोलियो है, लकवा मार चुका है, उसके दोनों हाथों में कंपन है, हाथ भी उसके लकवा मार चुके हैं, वो न उठने के लायक है, न अपने से बैठ सकता है, न अपने से खा सकता है, न अपने से पेशाब और पायखाना कर सकता है। इस बच्चे की उम्र भी 18-20 साल है, इसका भाई भी 20-22 साल का है, जो कमाता है और अपनी मां को खिलाता है, लेकिन ये बेचारा अपाहिज बच्चा, दोनों पैरों से अपाहिज, दोनों हाथों से अपाहिज, बिस्तर पर लेटा है, ये ना कमा सकता है, न मां का पेट भर सकता है, न खुद खा सकता है, ये बच्चा भी नाकारा है, किसी काम का नहीं है, बेकार है, बल्कि ये बच्चा अपने मां पर भी बोझ बना है, बल्कि अपने बड़े भाई के ऊपर भी बोझ बना हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मां इन दोनों बच्चों में से किस बच्चे की हिफाजत करेगी और किस बच्चे को अपने घर से बाहर निकालेगी? आपका जवाब होगा, वो किसी भी बच्चे को बाहर नहीं निकालेगी। वही औरत जो कांच के गिलास की हिफाजत कर रही है, जो बच गया क्योंकि वो काम का है, लेकिन मां उस काम के बच्चे से ज्यादा देख रेख इस बच्चे की कर रही है, जो दोनों बिस्तर, अपने दोनों पैरों, दोनों हाथों से अपाहिज और लकवे का शिकार है, फालिज मार चुकी है, उसकी हिफाजत कर रही है। मां उस बच्चे के सर से पसीना नहीं पोंछेगी जो मेहनत करके आया है, इस बच्चे के सर से पसीना पोंछ रही है जो बिस्तर पर लेटा है। मां उस 20-22 साल के बच्चे का पेशाब और पायखाना साफ नहीं करा सकती है, बल्कि अब इतना बड़ा हो चुका है वो बच्चा कि वो मां अपने बड़े बेटे की शर्मगाह भी देखना गवारा नहीं करेगी, लेकिन इस 18 साल के और 20 साल के बच्चे की शर्मगाह देखना तो बहुत दूर की बात, उसकी गंदगी को भी अपने हाथ से साफ कर रही है और उसकी पेशाब की जगह को भी धो रही है। मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए मां के दिल में ये रहम और ये मोहब्बत का जज्बा ये कहां से आया, ये उसी रब की 100 दर्जे रहमत में से उतारी हुई एक रहमत के एक दर्जे का हाल है। ये माँ उस बच्चे से ज्यादा प्यार करेगी जो बच्चा अपाहिज है, लंगड़ा लूला है और लकवे का शिकार है, ये माँ उसकी ज्यादा देखरेख कर रही है। क्यों? अगर अल्लाह माँ बाप के दिल से ये रहमत निकाल दे तो माँ बाप से बड़ा हमारा दुश्मन कोई हो सकता है? बताइए, कमीना पैदा हो गया, कमाए हम और मर के हम चले जाएं तो हमारे बनाए हुए घर में तू रहेगा? बाप की मेहनत, बाप का रात में जाग जाग कर मेहनत करके, मजदूरी करके बिल्डिंग बनाना,
जबकि बाप को मालूम है कि इस बिल्डिंग में हम नहीं रहेंगे, मेरे मरने के बाद मेरी औलाद रहेगी। अगर अल्लाह बाप के और माँ के दिल से ये मोहब्बत निकाल दे तो माँ बाप से बड़ा हमारा दुश्मन कौन हो सकता है। मेरी मेहनत की कमाई में तू रहेगा, लेकिन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि बाप की मोहब्बत ये गवारा नहीं कर सकती है कि मेरी औलाद मारी मारी फिरे। ये मोहब्बत किसने पैदा की है? उसी रब ने। और 100 दर्जे रहमत के एक उतारा है, और एक रहमत के दर्जे का हाल यह है जो मुर्गी अपने बच्चों से प्यार कर रही है, बकरी अपने बच्चों से, भैंस अपने बछड़े से, गाय अपने बछड़े से, यह मोहब्बत का तकाजा है। और मां अपने बेटे से मोहब्बत कर रही है, यह मोहब्बत का तकाजा है। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो रब की रहमत का एक दर्जा। अब जरा आइए फिर देखिए रब की रहमत का हाल क्या है। आइए फिर देखिए कि रब की रहमत का हाल क्या है। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत ये कैसे गवारा कर लेगी? जब एक माँ अपने बच्चे को आग में डालना गवारा नहीं कर सकती है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत ये कैसे गवारा करेगी जबकि उसके पास रहमत के 100 दर्जे? कैसे गवारा करेगी कि अपने बंदे को आग में डाल दे? मन इसराइल का एक वाकया बयान करते हुए नबी अकरम ने फरमाया, एक शख्स अपने अपने ऊंट को अपने घर के सारे सामान के साथ पैक करके निकलता है और एक सहरा और जंगल से होता हुआ जाता है। थक गया, जंगल में एक पेड़ से, एक दरख्त से वो अपने ऊंट को बांध देता है और थोड़ी देर दरख्त के साए में आराम करने लगता है। आंख खुलती है तो देखता है कि मेरा ऊंट गायब। उसमें पूरे घर का सामान बंधा था, अब ऊंट गायब। होश उड़ गए, हैं ऊंट गायब, मेरे घर का पूरा सामान ऊंट पर और ऊंट गायब। वो कभी इस झाड़ी जाता, कभी उस झाड़ी में देखता, कभी इस पहाड़ी पे चढ़ता, कभी उस पहाड़ी पे चढ़ता। वो पूरा जंगल तलाश कर डाला, लेकिन उसको ऊंट नहीं मिला, उसको ऊंट नहीं मिला। पूरा जंगल तलाश कर देता है, लेकिन उसको ऊंट नहीं मिलता है। मायूस होकर उसी पेड़ के पास आता है, हाथ सर पे रखकर सोचने लगता, मैं क्या करूंगा? बड़ी मेहनत से माल कमाया था, गायब हो गया ऊंट, कहां चला गया? अब कितना दिन लगेगा उतना माल कमाने में, और अपने घर का साजो सामान बनाने में कितना वक्त लगेगा? अब ये सोच ही रहा था, थका हुआ था, कि अचानक नींद आ गई। थोड़ी देर के बाद आंख खुलती है, क्या देखता है कि मेरा ऊंट उसी पेड़ से बंधा हुआ है जिस पेड़ से गायब हुआ था। आता है, हैं ऊंट तो ये है, जाकर देखता बंधा है सामान, देखता है तो उसके ऊपर अनाज का एक दाना भी कम नहीं है। जैसे वो अपने घर से लाया था वैसा ही हूबहू, सेम टू सेम वैसा ही ऊंट पर लगा हुआ है, और एक भी चीज गायब नहीं है। इस चीज को देखता है तो मारे हैं खुशी के, हमने दिन भर ऊंट ढूंढा, तलाश किया तो मिला नहीं, और अचानक अपने आप आ गया और सामान भी गायब नहीं। इसको देखकर वो इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि ऊंट को देखता जाता और नजरें आसमान पे डालता जाता और अपने रब से कहता जाता, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी वाना रब्बुक। अय अल्लाह, मान गया तेरी कुदरत, अय अल्लाह मान गया मैं तुझे, वाकई तू मेरा बंदा है और मैं तेरा खुदा। नहीं समझ पाए ना उसने क्या जुमला इस्तेमाल किया मारे खुशी के? उसने क्या कहा? अल्लाहुम्मा अंता अब्दी, वाह वाकई तू मेरा बंदा है, वाना रब्बुक और मैं तेरा रब। उल्टा बोल गया, समझ रहे ना क्या बोल गया वो? उसको बोलना ये चाहिए था कि वाकई मैं तेरा बंदा और तू मेरा रब है, लेकिन ऊंट पा गया, सामान लदा है, खुशी में उसको पता नहीं है, दिमाग से हट गया। इतनी खुशी हुई उसको, इतनी खुशी हुई कि उसका दिमाग ठिकाने नहीं रहा और मारे खुशी में कह गया, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी वाना रब्बु, वाकई तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब हूं। अल्लाह ने जुमले सुने तो मुस्कुरा दिया। ये मुस्कुराने वाला जुमला थोड़ी है। अब मेरा बेटा खुशी में अगर ये कह दे
कि मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम मेरे बेटे। भाई कोई चीज मैं ला के उसको दूं खुशी में जो उसको बहुत पसंद हो, और खुशी खुशी कहते वाह तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारा बाप, तो हम नाराज थोड़ी होंगे, हम तो खुश होंगे कि देखो खुशी में बेचारा ऐसा कह रहा है, जबकि कहना ये चाहता था कि हाँ तुम मेरे प्यारे अब्बू हो और मैं तुम्हारा बेटा, लेकिन धोखे से उसके मुंह से निकल गया मारे खुशी के, हाँ मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम मेरे बेटे। ये बाप अच्छी तरह जानता है कि बेटा मजाक में कह रहा है या धोखे से निकल गया, ये सही में कह रहा, ये बाप जानता है। और रब जानता है कि मेरा बंदा ये कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन धोखे से खुशी में उसकी जबान से जुमला निकला, इसलिए वो मुस्कुरा रहा है। अगर यही जुमले उसने जानबूझकर कहे होते तो माफ कीजिएगा वो कहीं का नहीं रहता। इतने खतरनाक जुमले तो फिरौन ने भी इस्तेमाल नहीं किए, फिरौन भी लोगों से कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मुझे अपना रब कहो, मैं तुम सबका रब हूं। फिरौन भी लोगों से यह कहता था मैं तुम्हारा रब हूं, लेकिन फिरौन ने कभी अल्लाह से नहीं कहा कि मैं तेरा भी रब हूं। फिरौन ने कभी जिंदगी में अपने रब से नहीं कहा आए अल्लाह मैं तेरा भी रब हूं, वो लोगों से कहता था ना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूं, तुम मुझे अपना रब मानो। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने क्या किया, उसको दरिया में गर्क कर दिया, डुबो दिया और मार डाला, और उसकी लाश को समंदर से बाहर फेंक दिया। आज भी मिस्र के म्यूजियम में उसकी लाश निशान इबरत बनी हुई है, आज भी उसकी लाश देख लो जो देखना चाहे, आज भी जमीन उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। जिस जमीन में गाड़ा जाता है जमीन निकाल के फेंक देती है, जिस समंदर में डाला जाता है समंदर निकाल के फेंक देता है, आज भी उसकी लाश निशान इबरत बनी हुई है। फिरौन ने इतने बड़े जुमले नहीं कहे थे, उनने इसने ये कहा था मैं तुम्हारा रब हूँ, लेकिन अल्लाह से कभी नहीं कहा था मैं तेरा रब हूँ, लेकिन इसने तो अल्लाह ही को अपना बंदा कह दिया और अपने आप को अल्लाह, अपने आप को रब का, अल्लाह का रब कह दिया। अल्लाहुम अंत अब्दी वाना रब, तू मेरा बंदा मैं तेरा खुदा, ज़रा तसव्वुर करो। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह नाराज़ नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि उसके दिल की नीयत ये नहीं थी। अल्लाह के नबी इस वाक़े को बयान करने के बाद कहते हैं जितनी खुशी इस बंदे को होती है अपना ऊँट पाने के बाद के होश में नहीं है, इतनी खुशी है कि वो जमीन पर पैर नहीं रख रहा है। जब एक गुनाहगार बंदा रात की तारीकी में नफिल नमाज पढ़ने के बाद जब सारी दुनिया सो रही हो फिर वो उठकर वुजू बनाए और रात के अंधेरे में उठकर रफा यदैहि लस्समा, अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठा ले और फिर अपने गुनाहों की माफी अल्लाह से मांगे, आए अल्लाह अल्लाहुम्मग़फिर लिज़्ज़ुनूबी, अल्लाहुम्मग़फिर ली, अल्लाहुम्मग़फिर ली, अल्लाहुम्मग़फिर लिज़्ज़ुनूबिना वरहमनी वस्तुर उयूबिना, ये सारी दुआएं वो मांगने लगे और फिर वो रब को राजी करे कहे अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमें माफ कर दे, हम पर रहम फरमा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब एक गुनाहगार बंदा अपने रब के सामने अपने दामन को फैला लेता है, अपनी झोली फैला लेता है और रब के सामने अपने हाथ उठाकर दुआ मांगता है अरे अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरे गुनाह बख्श दे, तो अल्लाह ताला को इस बंदे से भी ज्यादा खुशी होती है जो अभी मारे खुशी के ये कह गया तू मेरा बंदा मैं तेरा रब। जितनी खुशी इस इंसान को होती है अपना ऊंट पाने के बाद, अल्लाह को इससे कहीं ज्यादा गुनाह, कितनी ज्यादा गुनाह, कई ज्यादा बढ़कर अल्लाह ताला को खुशी होती है जब कोई गुनाहगार बंदा उसके सामने अपने गुनाहों की तौबा करता है, अपने आप को कहता है कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह को इससे भी ज्यादा खुशी होती है। ये उसका रहमो करम है कि गुनाह करने के बावजूद वो अपने बंदे को माफ करता रहता है। तो कर रहे हैं हमको 12:30 बताया गया था इसलिए ठीक है। तो मेरे भाइयों यहां से आप अंदाजा लगाइए कितना मेहरबान है वो अल्लाह। और सुनिए एक चीज आपको पॉइंट की बता देता हूं, हमारे सदर मोहतरम जो इस जलसे के हैं उन्होंने कहा आज पहला दिन है इसलिए थोड़ा सा जल्दी खत्म हो जाना चाहिए, तो मैं बस एक बात बताकर अपनी बात को खत्म कर दूंगा, बहुत कीमती बात बता रहा हूं मैं आपको, सुन लीजिए मेरे प्यारे साथियों इसको गौर से सुनिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकरीबन 20 से ज्यादा, कुरान पढ़िए आप 20 से ज्यादा बार या इबादी कहकर अपने बंदे को पुकारा,
या इबादी, बल्कि बड़े से बड़े गुनाहगार को भी यही कहा, कुल या इबादी, कुल या इबादी अल्लज़ी नसरफु अला अनफुसिहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। इस प्यार और मोहब्बत भरे जुमले को सुनिए, बंदा गुनाहगार है, इतना गुनाहगार है कि उसने जमीन और आसमान भरकर गुनाह कर रखे हैं, उसको भी अल्लाह ये नहीं कह रहा भाग, तू गुनाहगार है मेरे दरबार में मत आना, उसको भी अल्लाह क्या कह रहा, आए मेरे बंदो, कुल या इबादी अल्लज़ीन असरफु अला अन्फुसिहिम, आए मेरे बंदो, अगर गुनाह कर करके तुमने जमीन व आसमान भर लियो, अगर बहुत ज्यादा गुनाह करके अपने आप को सयाह काला कर लिया हो, अगर गुनाह कर करके तुमने जमीन व आसमान भी भर डाले हो, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, तब भी तुम अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो जाओ, अल्लाह के रहमो करम से मायूस मत हो जाओ, अगर तौबा करोगे तो हम आज भी तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हैं, अगर बख्शिश मांगोगे तो आज भी मैं तुम्हें बख्शने के लिए तैयार हूँ। 20 से ज्यादा बार अल्लाह ने कुल या इबादी कहा है, आए मेरे बंदो, आए मेरे बंदो, मेरे पास तो आओ मेरे बंदो, मुझसे गुनाहों की माफी तो मांगो मेरे बंदो, मेरे पास गिड़गिड़ाओ तो रो तो सही, हम तुम्हें आज भी माफ करने के लिए तैयार हैं। अगर 20 मरतबा या इबादी कहा है तो कुरान पढ़िए, 300 से ज्यादा, 300 से ज्यादा उसने रहमत का लफ्ज इस्तेमाल किया है, रहमत का लफ्ज इस्तेमाल किया है, ये मेरी रहमत, ये मेरी रहमत, ये मेरी रहमत, और एक लफ्ज तो ऐसा कह दिया है, रहमती वसीयत कुल्ल शई, रहमती वसीयत कुल्ल शई, आए मेरे बंदो, मेरी रहमत हर चीज को घेरे हुए, मेरी रहमत हर चीज पर छाई हुई है, मेरी रहमत के साए में आओ तो सही, आए मेरे बंदो, मेरी रहमत के दायरे में आओ, हम तुम पर भी अपनी रहमत निसार कर देंगे, हम तुम पर भी अपनी रहमत का साया कर देंगे। ये अर-रहमान रहीम, ये रब की रहमत है, माँ बाप, भेड़ बकरी, दुम्बा, मुर्गी, कुत्ता कुतिया और जानवरों की रहमत और इंसानों की रहमत भी सुनी और रब की रहमत भी आपने सुनी, ये सब रब की रहमत के 100 दर्जों में से एक दर्जे का हाल है। अर रहमान रहीम, मैं दो ही आयतों पे चल पाया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर रहमान रहीम, अभी रहमान रहीम पर और भी बाकी है मेरे प्यारे साथियों, कल कोई दूसरा टॉपिक आपके सामने रखेंगे। हम यहाँ से ये सोच कर उठें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन रब्बुल आलमीन है और रहमान रहीम है, वो मेहरबान है, वो जिस तरीके से सबको पालता और पोसता है, उसकी नज़र में कोई दोस्त और दुश्मन नहीं, वो सबको देता है, तो हमें और आपको भी उसको रब समझना चाहिए और उसकी रहमत का फ़ायदा उठाना चाहिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहिए और उस रब ने जो हमें ज़िंदगी दी है, उस रब की दी हुई ज़िंदगी को उसी रब के बनाए हुए कानून के मुताबिक हमें चलाने की कोशिश, चलने की कोशिश करनी चाहिए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम मुसलमानों पर रहम फरमा, ऐ अल्लाह हमें अपनी रुबूबियत को समझने की तौफीक अता फरमा और हमें रब्बुल आलमीन के रहमान और रहीम से हम रहमत तलब करने की तौफीक अता फरमा। जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दुआना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।